अब ये एक्सरसाइज नंबर 11.2 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर दियर लेंथ। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, सर्कल खींचना है, और उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा। पॉइंट से क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा युग्म खींचनी है, मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। सबसे आसान तरीका पहले कितना है, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप क्या करो, पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देते हैं। ये देखिए आपका ये हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया ऐसे। इस तरह से यहाँ से क्या कर दिया हमने, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करना है, इसके एक कॉर्नर पे 4 सेंटीमीटर का, देखिए इधर से 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, हमें क्या करना है, सॉरी 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ से देखते हैं, इस किनारे पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या कर देना है, वृत्त खींच देना है। ऐसे आप किसी भी किनारे पर खींच सकते हो, आप चाहें तो इधर से खींच लें, आप चाहें तो इधर खींच लें, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए ये क्या था, सेंटर ओ था, ठीक है, ये पॉइंट पी है जहाँ से हमें क्या करनी है, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ओ से पी तक ओ पी को बाइसेक्ट करना है, यानी लंबार्धा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के आप दोनों साइड में ऐसे चाप लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। ठीक, अब इसको क्या करना है, आपको यहां से मिला देंगे आर्क लगाने के बाद, ऐसे ये पॉइंट मार्क किया हमने, और ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर आपको क्या करना था, ये हो गया इसका लंबार्धक। अब क्या करना है, जहां पर ये लंबार्धक इसको काटेगा वहां पर आपको ये ऐसे रख लेना है, और ये रख करके आपको यहाँ से देखिए आप मेजर कर लीजिए, ओ से हमने क्या किया, ये ओ तक का डिस्टेंस या फिर पी तक का डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे, एक सर्कल और ड्रा कर देंगे इस तरह से, पूरा सर्कल आप बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए बीच में छूट जा रहा है क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड से मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बन गया। आप कि देखिए यहाँ पर जिस सर्कल ने यहाँ पे काटा हुआ है, जिस पॉइंट पे इसको पहले वाले को कट करेगा वहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे, ये और ये पॉइंट, यही क्या होगा बेटा, यहाँ से आपने किया और यहाँ जा करके इसको इस तरह से ये पॉइंट मार्क किया था हम लोगों ने, और यहाँ से ऐसे स्केल रख दीजिए, और ये पी पॉइंट से ऐसे ले जाइए, एक टेंजेंट ये हो गई और एक स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा आपको इधर से बना देनी, ठीक है। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, एक हो गई पी ए और एक हो गई पी बी। अब क्या है, यहां से आप इसको ज्वाइन करा देंगे, मिला देंगे, ए पॉइंट से इसको आपने मिला देना है, ऐसे ऐसे आपको बी से भी मिला देना है। ठीक है, अब क्या कहा गया बेटा कि स्पर्श रेखा युग्म खींचिए, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई पी ए और पी बी, और फिर क्या करना है, उनकी लंबाइयां भी नापनी है। तो आप इनको नाप लीजिए 8 सेंटीमीटर, यहां से इसको नाप के देखिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 8 है, मतलब यहां पर क्या है, आपके पास जो इनकी लंबाइयां हैं वो कितनी हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी है और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लंबाइयां जो नापनी थी वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसे चाहें तो देख भी सकते हैं, 8 की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बेटा होता क्या है कि पी ओ, पी ओ क्या है, इस वाले वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। अब आप जानते हो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, द एंगल एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया आपका, और ये जो सर्कल था देखिए ये वाला, इसका व्यास ओ पी था, ये देखिए तो ये ओ ए जो है वो इस पहले वाले वृत्त की त्रिज्या थी, और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, रेडियस थी 6 सेंटीमीटर।
इसकी रेडियस 6 हो गई। ये ओपी, आपको ओपी पहले से पता था कितना है, 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज ए, आपका देखिए ना ए पी ओ है, यानी पी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बेटा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कर्ण का वर्ग करने के लिए हम आपको नीचे दिखाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ओपी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब देखिए ओपी कितना है, 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू पी ए, पी ए हम लोगों को निकालना है, प्लस ओ ए, ओ ए कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, पी ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया 36, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 कितना आ गया 64, तो पी ए कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, मतलब 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, इस प्रश्न में कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहा गया, केवल पूछा गया उनकी लंबाइयाँ नाप कर बताइए, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो इस तरह से इन्हें कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता है। एक बार आप क्वेश्चंस को फिर से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दो क्या करनी थी, स्पर्श रेखा युग्म खींचना था, मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। और एक बात ध्यान रखिए, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां परस्पर बराबर होती हैं।